भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति बैठक अग्रवाल धर्मशाला टोक में संपन्न हुई। कार्य समिति बैठक में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर रही व अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराणा ने की। विशिष्ट अतिथि सांसद सुखवीर सिंह जौनापुरिया, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष सादिक खान, जिला प्रभारी मुकेश पारीक ने की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन वंदे मातरम के साथ की गई। भाजपा राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर ने कहा कि देश की मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्य से आज दुनिया भारत के सामने नतमस्तक है। देश का गौरव विश्व में बढ़ रहा है, तो प्रदेश की नकारा सरकार के कारण आम जन दुखी है, राहत कैंप के नाम पर प्रताड़ित कर रही है। कभी भारत विश्व की तरफ देखता था और आज स्थितियां बदली हैं और विश्व भारत की ओर देख रहा है। जिन कार्यों को कई वर्षों से सिर्फ कल्पना और सपनों में देखा जाता था, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार है जिससे देश का हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराणा ने कहा कि मोदी सरकार की सेवा, सुशासन एवं जन कल्याण की दिशा में अनेक कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में देश तीव्र गति से आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। प्रदेश में आए दिन घटनाएं घटित हो रही हैं। प्रदेश सरकार ने केवल भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का नाम बदलने का काम और केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकने का काम किया है। जिला प्रभारी मुकेश पारीक ने कहा कि यह हमारा दुर्भाग्य है जहां राजस्थान में एक ऐसी सत्ता काबिज है जिसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिन कार्यों को पूर्व की केंद्र सरकारों द्वारा 50 वर्षों में नहीं किया गया, वो कार्य 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, युवा वादा खिलाफी, किसान विरोधी, महिला विरोधी रही है। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कहा कि भारत को विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा करने का किसी का श्रेय जाता है तो निश्चित ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार महंगाई राहत कैंपों के नाम पर चुनावी लाभ के लिए सरकारीकरण का निजीकरण कर योजनाओं का झूठा भ्रमजाल फैला रही है और प्रदेश की आम जनता को गुमराह कर रही है। अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष सादिक खान ने कहा कि कांग्रेस सरकार महंगाई राहत कैंपों के नाम पर प्रदेश की आम जनता को बेवजह कड़ी धूप में लाइनों में लगवा कर परेशान कर रही है। राजनीतिक प्रस्ताव जिला प्रमुख सरोज बंसल ने रखा, जिसका समर्थन प्रदेश कार्य समिति सदस्य राम निवास गुर्जर ने किया। कार्यक्रम में एससी मोर्चा राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य सतीश चंदेल, पूर्व जिलाध्यक्ष शंकर लाल ठाडा, श्यामलाल जैन, सत्यनारायण चौधरी, पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर, अजीत सिंह मेहता, नरेश बंसल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य लक्ष्मी जैन, भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति सदस्य चंद्रवीर सिंह, जिला महामंत्री विष्णु शर्मा, प्रभु बाडोलिया, मालपुरा पालिका अध्यक्ष सोनिया मनीष सोनी, शिक्षक प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक नीलिमा आमेरा, सुभाष गालव, बीना छामुनिया, संत कुमार जैन, प्रधान सकराम चोपड़ा, रामावतार लांगड़ी, बेनी प्रसाद जैन, धोलू गुर्जर, किशन गोपाल जाट, रामकिशन गुर्जर सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। टोंक से हमारे संवाददाता सुभाष चौदा की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और इस तरह के कार्यक्रम हमारे यहाँ निरंतर होते रहते हैं। कार्य समिति की बैठक प्रशिक्षण पर, ये कार्य समिति माननीय मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा और उसी के अंतर्गत आज यहाँ पर ये जिला कार्य समिति रखी गई है। इसकी पूरी एक कार्य योजना बनकर आई है। त्रिस्तरीय कार्यक्रम होंगे, जिला स्तर पर होंगे, लोकसभा स्तर पर होंगे, जिला स्तर पर होंगे और मंडल स्तर पर ये कार्यक्रम होने हैं। इसमें जनसंपर्क भी है, मोदी सरकार के द्वारा ऐतिहासिक जो काम कराए गए हैं डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनका विजिट भी है जिसको विकास तीर्थ यात्रा का नाम दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मीट भी होंगी, व्यापारिक सम्मेलन भी होंगे, प्रबुद्ध जन सम्मेलन भी होंगे और घर घर जाकर जनसंपर्क। देखिए, जिस हिसाब से प्रदेश कार्य समिति हुई थी उसी के नाते एक हफ्ते के अंदर अंदर में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने शुरू से यह है कि एक हफ्ते के अंदर में होनी चाहिए, उसी के तहत में आज जिला कार्य समिति है और उसमें सभी जो भी लोकल मुद्दे हैं उन सबके उसमें प्रस्ताव पास किए जाएंगे और सभी चर्चा होगी। जिस हिसाब की अभी आपने बात की थी, कोई फीस स्थान नहीं है, ये तो सब जगह होती है और जिस हिसाब से प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस हिसाब की राजनीति कर रहे हैं, मैं समझता हूँ रोज राहत कैंप में जनता को लाला के दिन में धूप में गर्मी में मार रहे हैं और प्रशासन को काम नहीं कर पा रहा, सारे काम पेंडेंसी पड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ आज टॉपिक में बात करूँ
टोंक में पीने के पानी के लिए आज 2018 में हमने पैसे ला के दिया था। आज भी आप ये मान के चलो सिर्फ दो जिले दो